हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिनी भाई के एक नए अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अपडेट है। इस अपडेट में आप जो कि है यहाँ पे पिनी भाई के साथ CSC भी जुड़ चुका है, तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको CSC सेंटर देखने को भी मिल सकता है, मिल जाएगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भी क्या नए अपडेट हैं ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे दोस्तों जो नया अपडेट है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अगर आप PennyWise से LIC का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2% का कमीशन मिलता है। और साथ में अगर आप यहाँ पर सहज सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, जो कि आपका EKYC के माध्यम से कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और IIVF का सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे इनका गूगल मीट में ज्वाइन करके दोपहर के 3 बजे से 4 बजे तक ज्वाइन होकर यहाँ पे इस सेशन में भाग लेकर IIVF के सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और साथ में अपने आसपास की दुकानों में जो कि डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे PennyWise का न्यू दुकान को इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि आपका 174 रुपये में पैकेज है। और अगर आप इसको रेफ़र करते हैं तो यहाँ पे 101 रुपया आप इससे कमा सकते हैं। साथ में अगर आप 10,000 का लोड करते हैं अपने शॉपिंग वॉलेट में तो यहाँ पे आपको 75 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। चलिए ये बात हो गया नए अपडेट के बारे में। और यहाँ पे जो नया अपडेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ही आप 3 लाइन पर आएँगे तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे CSC सेंटर देखने को मिलता है। अब जैसे ही आप इस CSC सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके आसपास में जो भी CSC सेंटर होगा उन सभी का यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ भी CSC सेंटर है इन सभी का हमको यहाँ पे लोकेशन दिखा दे रहा है। अब इनका पूरा लिस्ट देखने के लिए यहाँ पे लिस्ट व्यू है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इनका पूरा दुकान, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। या आपके आपसे कितना किलोमीटर दूर है वो सभी आपको यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये दोस्तों क्यों दिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। PennyWise से मैं आपको जो ये IIVF का सर्टिफिकेट के बारे में गूगल मीट के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है, इस सेशन में भाग लेने के लिए आपको बोला जा रहा है बार बार, तो जो कि है ये PennyWise ने इसीलिए CSC सेंटर का यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है ताकि आप यहाँ पे जाके IIVF का सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे पाएँ और वहाँ से अपना सर्टिफिकेट ले लें। क्योंकि जो कि IIVF का सर्टिफिकेट होता है वो CSC सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है और वहाँ से आपको जो कि है IIVF का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसलिए PennyWise ने यहाँ पे ये ऑप्शन को ऐड किया है ताकि आपको पता लग जाए कि आपके आस पास में कहाँ पर CSC सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम IIVF का एग्ज़ाम लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे यह आपको CSC सेंटर का ऑप्शन दिया गया है ताकि आप यहाँ पे जाकर अपना IIVF का एग्ज़ाम दे सकें और अपना एग्ज़ाम को पूरा करके अपना सर्टिफिकेट लेकर PennyWise यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ कैशबैक भी दिया जाएगा। तो अगर आपने IIVF का सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया है और आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आप PennyWise यूनिवर्सिटी में आकर अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको कुछ कैशबैक भी मिलेगा। तो इसलिए यहां पे ये जो है CSC सेंटर का ऑप्शन दिया गया है ताकि आपको पता ही है कि PennyWise से एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग हो रहा है, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपके पास IIVF का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। क्योंकि ये एक तरह से आप एक CSP चला रहे हैं तो इसलिए आपके पास बैंकिंग रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। जब आप CSC सेंटर में जाकर IIVF का एग्ज़ाम देंगे तो वहां पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड आपसे उस एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए यहां पे CSC सेंटर का ऑप्शन है और यहीं से आपका जो है IIVF का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप IIVF का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप यहां से CSC सेंटर को देख सकते हैं और अपने आसपास में जो भी आपके पास में CSC सेंटर पड़ेगा वहां पर जाके आप IIVF का एग्ज़ाम देकर अपना IIVF का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो यही था वीडियो कि ये जो PennyWise में CSC सेंटर का ऑप्शन क्यों दिया गया है। और यहां पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का और जो ये ऑप्शन है
यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जहाँ पे आप अगर कुछ सीखना हो तो सीख भी सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे यहाँ पे लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में आपको जानकारी चाहिए उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये उसी लैंग्वेज में आपके हिसाब से बताएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद ही सबसे पहले ही मुझे अपलोड IAVF सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल गया। जैसे आप अगर आपने सर्टिफिकेट ले लिया है, आपने को सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आप यहाँ पे आराम से अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका सब कुछ बताया गया है कि अपलोड IAVF सर्टिफिकेट, तो यहाँ से आपको अपलोड करना है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है, पास हो जाते हैं, तो उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको PNEBHAI में अपलोड कर देना है। PNEBHAI आपको कुछ कैशबैक में कुछ पैसे भी दे सकता है। और यहाँ पे अपलोड करने के बाद ये PNEBHAI के पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपका जो, अगर आपका एक्सिस बैंक का BC अभी तक एक्टिव नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे अपना IAVF का एग्ज़ाम देकर यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर देते हैं, तो आपका जो कि ये BC अगर पेंडिंग में है, एक्सिस कासा पेंडिंग में है, तो ये आपका अप्रूव हो जाएगा। तो यही है वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया है और काफ़ी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।